हेलो एवरीवन, आज हम आए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बनाना सीखेंगे मलीदा। मलीदा बनाने के लिए हमें चाहिए घी, सौंफ, शक्कर, गुड़, काजू बादाम, पिस्ता, खोपरा, गेहूं का आटा और रवा। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके और हम उसको गूंद लेंगे। अच्छी तरह से आटा सानने के बाद में उसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे और फिर उसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे पराठा बनाने के लिए। अब हमें लोई में थोड़ा आटा लगा लेना है और अच्छी तरह से गोल शेप देके बेल लेना है। बेल के होने के बाद में ऊपर से थोड़ा घी लगा लेंगे। देखिए, अब हमारा बेलकर हो गया है और मैंने पहले ही तवे को गर्म होने के लिए रख दी थी। पराठा थोड़ा हो जाए तो ऊपर से हम घी लगा लेंगे। इसी तरह हमें तीनों पराठा बना लेना है। तीनों पराठा होने के बाद में हम तोड़ के मिक्सर जार में डाल लेंगे और दरदरा एकदम पीस लेंगे। देखिए, हमारा पराठा एकदम दरदरा पीस गया है। अब हमें तवे में घी डाल लेना है। घी गरम होने के बाद में हमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल लेना है। लो फ्लेम करके थोड़ा रेड ब्राउन कर लेने का। साथ ही हमें सौंफ भी डाल लेना है। अब हमें दरदरा किया हुआ पराठे में गुड़ डाल देना है। साथ में घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना है और अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो देखिए, हमारा मलीदा बनके तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर तो ज़रूर करना।